समारोह रखा गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अब इस समय जो आप लोग आए हैं, स्वागत किया है, मैं तो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के परिवार में एक शामिल हो गए हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों से जो है खुश होकर हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। और हम समाजवादी पार्टी को जिस उम्मीद के साथ इन्होंने आज स्वागत किया है और जिस उम्मीद के साथ इन्होंने जो है हमें अपना बनाया है, हम उनके हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेके, क्योंकि नगर निगम में हमारी पत्नी जो है सुनीता वर्मा मेयर हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चला जाएगा, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को बढ़ाया जाएगा और 2022 में इस जोरदार तरीके से हम मेहनत करेंगे कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हम प्रण कर चुके हैं, सभी लोगों को ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि हम लोग सब लोग मिलकर उनको जो है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो अब ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार के लिए क्या रणनीतियाँ चल रही हैं? देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी का सभी को निर्देश है कि हमें किसानों का साथ देना है। और किसानों का, क्योंकि किसान जो है अन्नदाता है, और पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता था, अब जो है क्या है कि एक नीति पर चल रहे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को, जो धन्ना सेठ हैं, जो उद्योगपति हैं, वो ये सरकार उन्हीं को बढ़ावा दे रही है। और जुर्म जाति के खिलाफ हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है जुर्म जाति के खिलाफ हैं, वो हम हमेशा किसानों के साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि हमें किसानों का हर कीमत पर साथ देना है, हर तरीके से साथ देना है, क्या हमें किसी भी मुकाम तक जाना पड़े, हमें किसानों का साथ देना है।